मैम किस तरह से देख रहे हैं आप भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए देयर इज अ वेरी बिग सेंटिमेंट, बदलाव का बहुत एक वेव आया है, लोग महंगाई से थक गए हैं, बेरोजगारी से थक गए हैं, तो व्हेन वी आर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, जो आपके वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि चेंज आ रहा है। ठीक है, किस तरह के मुद्दे आप, क्योंकि स्लम्स में भी जा रहे हैं, विलेजेस में भी जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जो है लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल तो कहा जाता है कहीं ना कहीं? देखिए चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप कॉलोनीज में जाते हैं, जब आप विलेजेस में जाते हैं, आपको देखने को मिलता है कि सिटी ब्यूटीफुल तो दूर की बात, वो मॉडल विलेजेस होने चाहिए, यू नो देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल विलेजेस अभी तक नहीं है। वहाँ पे महंगाई, बेरोजगारी, आई वुड से जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं वहाँ पे, सिलेंडर के दाम, यू नो अकंपनिंग विद सब्जियों के दाम, दैट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट दैट यू नो दैट हैज ऑन द पीपल, एंड उसकी वजह से बदलाव की बहुत वेव है कॉलोनीज में। एज अ डॉटर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कुछ चीजें सामने आई हैं चंडीगढ़ के? देखिए आई थिंक चंडीगढ़ दैट वे इज डेफिनेटली सेफर, जो महिलाएं हैं वहां पे, जिन्होंने जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दैट सेंटिमेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ टू सच अ बिग एक्सटेंट। आई थिंक उनके जो मेन मुद्दे हैं वो है आपकी महंगाई, वो है आपका चूल्हा चलना घर पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है उनके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करना विच इज नॉट हैपनिंग, बेरोजगारी, आई थिंक दोज आर द मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज इवन अमंगस्ट द वुमेन। मैम क्योंकि किरण खेल रही है एज अ लेडीज पिछले टर्म में, कहीं ना कहीं लोगों में रोष जरूर देखने को मिला था कि किरण खेर ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। देखिए किरण खेर जी वॉज अनवेल, राइट, वी ऑल नो दैट, एंड वी विश हर द बेस्ट, आई होप हर हेल्थ इज डूइंग बेटर। अनफॉर्चुनेटली इवन दो शी वॉज अनवेल, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो गिर गया, देयर वॉज स्टिल अ फोर इंजन गवर्नमेंट, एंड जो डिवेलपमेंट्स चंडीगढ़ शुड हैव सीन इन द पास्ट 10 ईयर्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द फोर इंजन यू नो गवर्नमेंट दैट दे डिड हैव, दैट वॉज नॉट देयर। तो मैम अब क्या लगता है आपको, आप जा रहे हैं 1 जून को वोटिंग होनी है, आज भी काफी बड़ी रैली कह सकते हैं देखी गई आपके फादर की तरफ से, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप तो खुद मौजूद थे, किस तरह का लोगों का खिलाफ? देखिए आई थिंक इट्स क्लियर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग आज आए हैं, जितने पार्टी साथ में आए हैं, वी आर फाइटिंग अ बिगर फाइट, एंड दैट फाइट इज टू सेव डेमोक्रेसी, एंड यू कैन सी हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट फाइट। मैम किस तरह से देख रहे हैं आप भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं लोगों के बीच जा रहे हैं? देखिए देयर इज अ वेरी बिग सेंटिमेंट, बदलाव का बहुत एक वेव आया है, लोग महंगाई से थक गए हैं, बेरोजगारी से थक गए हैं, तो व्हेन वी आर गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, जो आपके वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रहे हैं उसमें दिख रहा है कि चेंज आ रहा है। ठीक है, किस तरह के मुद्दे आप, क्योंकि स्लम्स में भी जा रहे हैं, विलेजेस में भी जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे जो है लोगों के सामने आ रहे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल तो कहा जाता है कहीं ना कहीं? देखिए चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, सिटी ब्यूटीफुल कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली जब आप कॉलोनीज में जाते हैं, जब आप विलेजेस में जाते हैं, आपको देखने को मिलता है कि सिटी ब्यूटीफुल तो दूर की बात, वो मॉडल विलेजेस होने चाहिए, यू नो देयर आर ओनली अ हैंडफुल ऑफ देम, एंड अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल विलेजेस अभी तक नहीं है। वहां पे महंगाई, बेरोजगारी, आई वुड से जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं वहां पे, सिलेंडर के दाम, यू नो अकंपनिंग विद सब्जियों के दाम, दैट इज अ वेरी बिग इम्पैक्ट दैट यू नो दैट हैज ऑन द पीपल, एंड उसकी वजह से बदलाव की बहुत वेव है कॉलोनीज में। एज अ डॉटर आप जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, महिलाओं से बात कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर या फिर महिला सशक्तिकरण को लेकर भी कुछ चीजें सामने आई हैं चंडीगढ़ के? देखिए आई थिंक चंडीगढ़ दैट वे इज डेफिनेटली सेफर, जो महिलाएं हैं वहां पे, जिन्होंने जितना मैंने इंटरेक्ट किया है, आई डोंट थिंक आई हैव सीन दैट सेंटिमेंट एक्सप्रेस इटसेल्फ टू सच अ बिग एक्सटेंट। आई थिंक उनके जो मेन मुद्दे हैं वो है आपकी महंगाई, वो है आपका चूल्हा चलना घर पे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है उनके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित करना विच इज नॉट हैपनिंग, बेरोजगारी, आई थिंक दोज आर द मोर इंपॉर्टेंट इश्यूज इवन अमंगस्ट द वुमेन। मैम क्योंकि किरण खेल रही है एज अ लेडीज पिछले टर्म में, कहीं ना कहीं लोगों में रोष जरूर देखने को मिला था कि किरण खेर ने कोई काम नहीं किया, लेकिन उन्होंने दावा किया कि महिलाओं के लिए या फिर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर डेवलपमेंट के लिए उन्होंने बहुत से काम किए। देखिए किरण खेर जी वॉज अनवेल, राइट, वी ऑल नो दैट, एंड वी विश हर द बेस्ट, आई होप हर हेल्थ इज डूइंग बेटर। अनफॉर्चुनेटली इवन दो शी वॉज अनवेल, इसका मतलब ये नहीं कि बीजेपी का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था वो गिर गया, देयर वॉज स्टिल अ फोर इंजन गवर्नमेंट, एंड जो डिवेलपमेंट्स चंडीगढ़ शुड हैव सीन इन द पास्ट 10 ईयर्स विद द इंफ्रास्ट्रक्चर विद द फोर इंजन यू नो गवर्नमेंट दैट दे डिड हैव, दैट वॉज नॉट देयर।
तो मैम अब क्या लगता है आपको, आप जा रहे हैं 1 जून को वोटिंग होनी है, आज भी काफी बड़ी रैली कह सकते हैं देखी गई आपके फादर की तरफ से, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आप तो खुद मौजूद थे, किस तरह का लोगों का खिलाफ? देखिए आई थिंक इट्स क्लियर, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, जितने लोग आज आए हैं, जितने पार्टी साथ में आए हैं, वी आर फाइटिंग अ बिगर फाइट एंड दैट फाइट इज टू सेव डेमोक्रेसी एंड यू कैन सी हाउ पीपल आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट फाइट।